हम देखने वाले हैं आज कि एंजाइटी अपने बॉडी के ऊपर क्या असर करती है। तो वेलकम, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंग्जाइटी बहुत सारे लोगों को है, 10 से 15% लोगों को एंग्जाइटी होती है, घबराहट, चिंता, बेचैनी। और जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर काफ़ी सारे लोगों को है, GAD जिसको बोलते हैं। और यदि सिम्टम्स 6 महीने से ज्यादा आया तो हम उसको बोलते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कोई भी जब टेंशन आता है या कोई भी जब एंग्जाइटी होती है या कोई भी जब डर होता है तो 3 रेस्पॉन्स होते हैं। एक होता है फाइट, मतलब उससे फाइट करो, सामना करो उसका। दूसरा है फ्लाइट, मतलब भाग जाओ वहां से। और तीसरा है फ्रीज, मतलब वहां फ्रीज होके गिर जाओ, शरण जाओ, फ्रीज हो जाना। अभी ये जो एंग्जाइटी है ये हमारे बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा असर करती है, क्योंकि एंग्जाइटी से क्या होता है कि दिमाग में एड्रेनलिन ये जो हार्मोन है इसका बहुत बड़ा सर्ज हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। अब ये दोनों हार्मोन्स जो है वो बहुत डैमेज करते हैं अपने बॉडी को। तो वो एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन सीधा हार्ट के ऊपर असर करता है, और हार्ट के ऊपर असर करने से सीधा धड़कन बढ़ना, तेज धड़कन हो जाना और अटैक भी आ सकता है। नंबर दो, लाइट हेडेडनेस लगता है, मतलब बहुत हल्का 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 सिर लगता है। तीसरा, नौशिया लगता है, जी मछलाना। चौथा, BP ज़्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और उच्च रक्तचाप हो जाएगा। पांचवा, हार्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा एड्रेनलिन सर्ज से, 120 140 तक चल जाएंगे। फिर छठवां, मोशंस लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा लैट्रिन को लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोशन लग सकते हैं। सातवां, यूरिन ज़्यादा लग जाएंगे, पेशाब को ज़्यादा जाना पड़ेंगे। आठवां, बॉडी में दर्द होगा, बॉडी दर्द एंग्जाइटी की वजह से। नौवां, सर दर्द होता है। और कॉर्टिसोल, दसवां जो है वो कॉर्टिसोल एज सच स्टीरॉयड है, कॉर्टिसोल एज सच बॉडी को डैमेज करता है, पूरे बॉडी को, और अपनी इम्यूनिटी डैमेज कर लेता है। तो ये उसके नुकसान है एंग्जाइटी के, इसलिए एंग्जाइटी का इलाज करना जरूरी है। एंग्जाइटी के लिए एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन है, जैसे कि अल्प्रेजोलाम, क्लोनेजीपाम, ऐसी दवाइयाँ हैं, पैरोक्सीटिन। और हिप्नोथेरेपी हम करते हैं, हिप्नोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, सम्मोहन उपचार से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केळेकर नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो। वहाँ आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।